करने में टाइम भी जाएगा, ठंडी इतना पसीना आ जाता है। फ्रेंड्स, मैं हूँ संचित और अभी मैं यहाँ पे आया हूँ झू के इलाके में, जहाँ पे मैं आपको अभी लेके जाऊँगा, आप लोग को दिखाऊँगा जिया खान जी का घर। तो अभी हम लोग चलते हैं जिया खान जी का घर पे। यहाँ पे वो रहती थी, इस बिल्डिंग का नाम सागर संगीत है जो जुहू के इलाके में आता है। तो यहाँ पे वो रहती थी और फिर 2013 में वो उनका न्यूज़ में आया था कि वो उनका डेथ हो चुका है। और वो बॉर्न हुई न्यूयॉर्क में अमेरिका में और उनका डेथ मुंबई में हुआ। और यहाँ पे उस टाइम पे जितने भी वो जब चली गई थी हम लोग को छोड़ के, तब बहुत सारे एक्टर्स आए थे उनको एक आखिरी अलविदा करने के लिए उनको। हाय फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पे जुहू के इलाके में आया हूँ फिर से, आपको एक नया वीडियो के साथ में लेके आया हूँ। अभी मैं आया हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो सागर संगीत, यहाँ पे रहती थी जिया खान जी, जो अभी इस दुनिया पे तो नहीं है। उनकी डेथ हो चुकी है 2013 में और वो बॉर्न हुई थी 2013 में उनका डेथ हो गया था। और उनको अभी डेथ उनका अभी वो जाने के अभी 9 साल बाद हम लोग इस जगह पे हम लोग आए हैं। ये आप देख सकते हो सागर संगीत इस बिल्डिंग का नाम है। तो वो कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस तो हुआ नहीं। अब मैं चाहूँगा कि अभी आप देखें या फिर ये वीडियो आप देखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये वो एक्ट्रेस जिसका मूवीज आप देखते थे, गजनी एक मूवी में देखा था उनका, बहुत ही उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस थी। वो अभी इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को उनका घर में आप लोगों को दिखा रहा हूँ।
मेकअप करने में टाइम ही जाएगा। गंदी इतना पसीना आ जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए ये जगह आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं अगर आप चाहते हो कि मैं और ऐसे ऐसे आप लोगों को मैं और दिखाऊं वीडियोस की, जिससे आप लोगों का ऐसा मान पड़े कि ये एक्टर यहाँ पे रहते थे या रहती थी, तो मैं आप लोगों को मैं ज़रूर आप लोगों को मैं कमेंट में आप सबका मैं कमेंट में बहुत रीड करता हूँ। मैं आपको मैं रिप्लाई भी दूंगा, उसका मैं आप लोगों को मैं लेके भी जाऊँगा। मेरी कोशिश वही रहती है कि आप लोगों को मैं खुश करूँ, और मुझे आप लोग खुश कर सकते हैं ऐसे कमेंट्स करके। मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स में, मैं देखता हूँ जब कोई मेरा तारीफ़ करता हो कमेंट्स में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं चलता हूँ यहाँ से, फिर हम लोग मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें।